www.attableeg.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Khususan ala afzalihim wa khatamin nabiyyin. محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگو اور دینی بھائیو، اور گھروں پر بیٹھ کر سن رہی دینی ماں بہنیں، موجودہ دور جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی نازک ہے. ایمان والوں کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں اور بہت سے حالات ہیں. ایمان کی بقا مومن کے لیے اصل ہے. یہ سب حالات میں سب سے پہلا کام مسلمان کا یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کا جتن کرے. اور اس کا جتن کرنے کے لیے اس کو یہ بات طے کرنی ہے کہ اس کی زندگی میں مکمل دین آئے، 100% دینی زندگی گزارنا ہے. احوال دین سے ہٹانے کی محنت کر رہے ہیں، دین میں تبدیلیاں چینجز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دین میں دخل اندازی کی جا رہی ہے. اتنی جرأت غیروں کو کیوں ہوئی؟ اس بنا پر کہ ہم نے دین پر جیسا عمل کرنا چاہیے چھوڑ دیا. حالانکہ قرآن کریم میں واضح اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، دین میں پورے داخل ہو جاؤ.
उन लोगों में से न बनो जिनके बारे में कुरान करीम ने कहा कि अफतूमिनून बिबादी किताबी व तकफुरून बिबास, कि तुम किताबुल्लाह के बाज अहकाम पर अमल करते हो और बास को नजरअंदाज कर देते हो। जो आसान लगता है उसको ले लेते हैं, जो मुश्किल नजर आता है उसको छोड़ देते हैं। इबादत 100% चाहिए, मामलात 100% चाहिए, अखलाक 100% चाहिए, माशरत 100% ईमानी चाहिए। इनमें किसी चीज के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। हमने भी बास चीजों को लिया, मसलन नमाज पढ़ ली, वो भी एक तबका बहुत बड़ा उम्मत का ऐसा है जो नमाज से दूर है। अभी 90% तबका पाबंद नमाज नहीं है, हालांकि नमाज ये दीन का सुतून है और इंतहाई अहम चीज है और इस पर हमारे ईमान का, हमारी इस्लामी बिल्डिंग का दारोमदार है। बाज नमाजें पढ़ ली, बाज को जाया कर दिया या नजरअंदाज कर दिया, फिक्र भी नहीं करते। तो उम्मत एक दर्जे में नमाज पढ़ रही है और कुरान की तिलावत अब सुबह की नमाज के बाद निकल गई है, मुश्किल से किसी घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ गई। जिस कुरान करीम को हिर्ज़े जान बनाना था उसकी हिफाजत में हमारी हिफाजत थी, हमने उसी को दाय कर डाला, बालाए ताक रख दिया, ताक पर रख दिया, ताके निस्यान पर रख दिया। हालांकि इसकी रात और दिन तिलावत होनी चाहिए थी। हदीस पाक ने यहां तक फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। पूछा गया कि घर कैसे कब्रिस्तान बन जाएंगे, फरमाया कब्रिस्तान में मुर्दा न नमाज पढ़ता है न तिलावत करता है। जिस घर में न तिलावत हो न नमाज हो वो घर कब्रिस्तान से कम नहीं है। तो यहूद का यह तरीका था कि बाज आसान चीजें ले लेते थे और मुश्किल चीजों के बारे में कहते थे कि ये उलमा का काम है, हमारा काम नहीं है। हालांकि दीन पूरा जो है उम्मत के लिए आया है, कयामत तक की इंसानियत के लिए और हर हर फर्द के लिए आया है। कुरान करीम में कितनी जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। तो कहते तकवा ये तो मौलवियों का काम है, ये बुजुर्गों का काम है मुत्तकी बनना। हालांकि पूरे कुरान करीम में कहीं नहीं कहा कि बुजुर्ग मुत्तकी बने, बाकी लोग अपने हिसाब से जिए। ऐसा तो कुरान करीम में कहीं नहीं कहा है। जो भी ईमान वाले हैं उनको खिताब हुआ है कि तुम्हारी जिंदगियों में अल्लाह का डर होना चाहिए। तो मुकम्मल ईमान चाहिए। हम हर चीज में मुकम्मल तलाश करते हैं, इनकम्प्लीट चीज को पसंद नहीं करते। जैसे दुल्हा साहब को तैयार करते हैं तो टोपी में, सफेद टोपी में जरा सा दाग होता है तो दोस्त कहते नहीं चलेगी, दागदार टोपी नहीं लाओ, शादी के दिन ऐसी दागदार टोपी लोग क्या कहेंगे। इतना ऐब भी दूल्हे के अंदर बर्दाश्त नहीं है। और दुल्हन को जो लिबास पहनाया
उसमें एक बकिया ऊंचा नीचा हो जाए तो दुल्हन की सहेलियां बर्दाश्त नहीं करती कि नहीं ये नहीं चलेगा, दुल्हन इसमें सज नहीं सकती। और मैचिंग में कोई चीज बाकी नहीं रहना चाहिए, ऊपर से नीचे तक हर चीज 100% है। लेकिन दीन का मामला आता है तो ये चल जाएगा वो भी चल जाएगा, ये नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, वो सुन्नत है ये मुस्ताहब है, ये करो तो कोई बात नहीं, नहीं करो तो कोई फिक्र नहीं। हालांकि अहलुल्लाह का आलम यह है कि मुस्तहब तक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। और हमारा हाल यह है कि हम फरज तक छोड़ देते हैं और हमारे कान पर जू भी नहीं रहती। हम दूसरों को कोसते हैं और बुरा कहते हैं कि ये लोग हमारे दीन में खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन खुद हमारा आलम यह है कि हम अपने दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसा चाहते हैं उसको ट्रीट कर रहे हैं। दूसरों को तो इसीलिए जरूरत हुई ना, मस्जिद के सामने मुसलमान पटाखा छुड़ाता है, कहता है भाई मस्जिद मेरी है, पटाखा ही छुड़ाया है और क्या किया है। और अगर कोई गैर आकर पटाखा छुड़ा दे तो कितना गुस्से हो जाएंगे। जुलूस जा रहा है, मस्जिद के सामने बैंड बज रहे हैं, गाजे बाजे बज रहे हैं, कोई परवाह तक नहीं, हालांकि वहां अजान हो रही है, नमाज की तैयारी हो रही है, जुलूस जा रहा है, मुसलमान है और नमाज का ख्याल करते हैं। हमने दीन का क्या हाल किया है? दीन का हमने यह आलम किया कि जहां ऐसा लगा कि शरीयत का कायदा जरा शकंजे वाला है, छोड़ दिया और सीधे अदालत में पहुंचे कि वहां से हमको सब मिल जाएगा। तो दुनिया मिलने के लिए आपने दीन को छोड़ दिया और शरीयत के नुक्ते नजर को नजरअंदाज किया और गैरों के पास चले गए। हमने अपने आप को खुद गैरों के हवाले किया है तो फिर उन्होंने हमारी चीजों में दखल देना शुरू किया है। तय करो, ये फैसला करो कि हम जैसे दूसरों की दीन में दखल अंदाजी और तगय्युर को पसंद नहीं करते, खुद भी दीन पर 100% अमल करेंगे और इसमें हम खुद भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों सुन्नतों को छोड़ रखा है? वो सुन्नतें जो आम है कोई नहीं रोकता, क्यों छोड़ रखा है? इस मुल्क में कौन सा अमरीका ने आपको कहा था कि गाड़ी मत रखो? कौन से अमरीका वालों ने आपको नमाज पढ़ने से रोका है? ये तो कहे अमरीका वालों ने यूं किया, वो तो कहे यहूदियों ने यूं किया। जो काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं वो कहां यहूदियों ने ना कहा है, वो कहां अमरीका वालों ने ना कहा है, वो तो खुद हम ही नहीं कर रहे। मैंने आपके सामने इसी मजमून से मुताल्लिक जो है कुरान करीम की आयत जिसमें एक अजीब वाकया बयान किया है वो जिक्र की। सरकार के जमाने में आप जहां नबी आखिरुल जमान है वहां मदीने के हाकिम भी हैं और आप काजीउल कुजात भी हैं, आप चीफ जस्टिस भी हैं, फैसले सब आपके पास आते हैं, आप सबके फैसले करते हैं। और ईमान वाले की शान यह है कि शरीयत की रोशनी में फैसला करवाए। आज हमको महकमा शरीयत कायम करने की जरूरत है, उलमा की पैनल बनाने की जरूरत है और उनके सामने अपने तमाम मसाइल रखकर इस यकीन के साथ कि शरीयत जो फैसला सुनाए हमको मंजूर होना चाहिए। जैसे कोर्ट सुनाती है तो मंजूर करते हैं कि नहीं, इस तरह शरीयत सुनाए फैसला तो मंजूर करने की तैयारी जब हमारे अंदर आएगी, दूसरों को दखल देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हम दूसरों के पास गए तो उनको बोलने का मौका मिला ना। मियां बीवी में अगर अनबन हो जाए, हो सकता है, बर्तन साथ रहते हैं तो कुछ खड़खड़ाहट होती है, तो भाई एक लंबी जिंदगी जीनी है शादी के बाद,
निकाह बरकरार रखने की शरीयत ने फजीलत बयान की है कि निकाह को बरकरार रखा जाए, और निकाह तोड़ना और तलाक देना इसको अबवतुल मबाहात कहा है, यानी मबाह चीजों में अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा चीज है तलाक। ये जो शोर मचाया जा रहा है कि भाई ये लोग तलाक देते हैं तलाक देते हैं, तो भाई कुरान में हदीस में कहीं तलाक देने की फजीलत नहीं है कि भाई शौक से खूब तलाके दिया करो, ऐसा हदीस में कोई मजमून नहीं है। ये तो गैरों ने हमारे ऊपर इल्जाम खोपा है। तलाक तो नागुजीर हालात में, इंतहाई सख्त हालात में, जब मियां बीवी एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, ऐसी पोजीशनें जब हो जाती हैं, तो उस वक्त तलाक की नौबत आती है। और वो तलाक की नौबत भी बहुत देर से आती है, उससे पहले तो कई स्टेज हैं। पहला स्टेज कि अगर बीवी का मिजाज टेढ़ा है, और होना भी चाहिए, फितरत है उसकी, अब टेढ़ापन था तो सही, लेकिन हमारे यहां एक कहावत है कि करेला और नीम चढ़ा, यानी करेले का जो बेला है वो नीम जो कड़वा होता है उसके दरख्त पर चढ़ जाए तो उसकी कड़वाहट डबल हो जाती है। तो मिजाज में टेढ़ापन है, हदीस में फरमाया टेढ़ापन के होते हुए आप उससे फायदा उठाओ और उसकी कड़वाहट को बर्दाश्त करो। इसकी कड़वाहट बर्दाश्त करने पर भी अल्लाह ताला के यहां अज्र मिलने का वादा है, दर्जात की बुलंदियों का वादा है। हर वक्त जो है मुश्क गिरेवा, और हर वक्त मुकाबला आ रहा ही मत करो, और नाजुक सिंह है इसका ख्याल रखो। कुरान करीम ने कहा वाशिरून बिल मारूफ। अक्सर ऐसा होता है कि निकाह होता है, शादियां होती है, तो बस मर्द की फरमाबरदारी करो और पूरी जिंदगी जो है इसकी वेटियागिरी करो, इसी की फजीलत बयान होती है। यूं नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे, सब हमको मंजूर है, लेकिन कुछ बीवी के भी हुकूक शौहर के ऊपर अल्लाह ने रखे हैं, उसको भी बयान करो। ये भी बताओ कि तू खिदमत करेगी तो तेरे दर्जे क्या है, तेरा बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो तेरी मगफिरत का फैसला है, तेरा बच्चा अल्लाह पढ़ेगा तो तेरे पिछले गुनाह माफ है, घर में तूने झाड़ू का एक झिंका लगा दिया तो अल्लाह ताला तेरे पिछले गुनाह माफ फरमाएंगे। कितनी फजीलतें बयान की, और बच्चा दर्जे जै तुझे हो रहा है, एक आंख पर तेरे पिछले गुनाह अल्लाह माफ फरमा। औरत को कम दर्जा दिया है इस्लाम में, नारी ने सम्मान आपका निकली आपने, नारी ने सम्मान तब तू सम्मान आपी सको, इस्लाम ने जो सम्मान आपी लू तो कोई आपी सके नहीं। इस्लाम ने औरत को जो मर्तबा और जो मकाम दिया है वो कौन दे सकता है। अच्छी बात कही शहजादा चार्ल्स ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक तकरीर की, और सामने सब पादरी बैठे हुए थे ईसाई, उनसे कहा कि मैंने स्टडी किया है उलमा से मिलकर, औरत को इस्लाम ने जो मकाम दिया है पूरे दुनिया के मजहब मिलकर देना चाहे तो नहीं दे सकते। दुनिया वालों ने मर्तबे और मकामात छीन लिए, तुम्हारे दुपट्टे छीन लिए, तुम्हारे लिबास छीन लिए, तुमको बाजार में नंगा करके खड़ा किया, इस्लाम ने तुमको लिबास दिया, इस्लाम ने तुमको पर्दा दिया, इस्लाम ने तुमको बुर्का दिया, इस्लाम ने तुमको इज्जत वाली खातून करार दिया, तुमको घर की मलिका बनाया, घर का चेहरा करार दिया। यह मर्तबा दिया है, बताओ कौन दे सकता है। और कुरान ने आलम इतना ऐलान कर दिया वाशिरून बिल मारूफ, औरतों के साथ हुस्न सुलूक करो। अब सरकार का मर्तबा कितना आलीशान है, लेकिन उसके बावजूद घर जाते हैं तो घर वालों की काम के अंदर मदद करते हैं, हाथ बटाते हैं, और हफ्ते इस दिवाली में क्या शौहर का काम हो सकता है वो कर दें, सिर्फ ऑर्डर कर देना और घर में जाते ही ऑर्डर फाड़ना, ये कोई शोहर का हाल नहीं। उसको घर के काम में भी लगना है, उसको घर के काम में औरत की मदद में भी लगना है,
इसकी भी फजीलत बयान की। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेहनत आहली अपने घर वालों के हाथ बटाते थे काम के अंदर, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दी। और फरमाया ये जो बाहर बड़ी बड़ी बात होती है ना, और शौहर का मर्तबा बहुत ऊंचा और बहुत ऊंचा अपने आप को समझता है, सबसे बड़ा कामयाब वो है जो घर के अंदर कामयाब हो। बाहर वाले कहें कि बहुत हारा मानस है, ये नहीं है, हारो मानस से तेने तेरी पत्नी एम कह के खरेखर सारा मानस है, इसको कहेंगे कि ये वाकई अच्छा इंसान है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये बात आका ने फरमाई, हदीस है, खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। और फिर सरकार ने फरमाया वाना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम तमाम में अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। कोई शोहर इतना कामयाब नहीं जितना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दिवाली जिंदगी में कामयाब हुए। और बतलाया कि कामयाब इस तरह से होते हैं, इतनी अजवाजे मुताहरात पर कभी उंगली नहीं उठाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जिस घर में सरकार जाते हैं घर में एक चांदना फैल जाता है, एक खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। घर का फर्द घर में आए तो घर में डर का माहौल नहीं बनना चाहिए, खुशियों का माहौल बनना चाहिए। जो घर में पास वह हकीकत में पास, जो घर में फेल बाहर कितना भी कामयाब हो कामयाब नहीं। जो बाहर हीरो है और घर में जीरो है ये नहीं चले। घर में जाने के बाद पूछो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला से, सरकार के औसाफ पूछो कैसे औसाफ बयान किए हैं हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत खदीजा के अल्फाज से। अब अगर इंतहाई तौर पर नाचाकी हो जाए इंसान है, नाचाकी इंतहाई तौर पर हो जाए तो क्या किया जाए? तो फरमाया कि पहला काम तो ये करो कि बीवी को समझाओ, अल्लाह ने इसको भी समझ दी है अकल दी है, लेके बैठो और समझाओ कि देख ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे हमारी दोनों की जिंदगी जो जहर बन जाती है, हम दोनों अच्छी तरह रहेंगे, जिंदगी कामयाबी से गुजरेगी, ये बच्चे हमको लड़ता हुआ देखेंगे तो आगे जाके ये भी लड़ेंगे, इनके अंदर भी जो है वो लड़ाका मिजाज जो है वो बन जाएगा। एक जगह पर एक लड़का था अकलौता और शौहर और बीवी दोनों रहते थे, अचानक लड़के की मां का इंतकाल हो गया, मां का इंतकाल हो गया, बड़े मियां रह गए, अकेले रह रहे थे, लड़का कॉलेज में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते इसका मुआशका हो गया, ये जगह ही ऐसी है, ये पढ़ने की जगह नहीं है, ये मुआशके लड़ाने की जगह है, बचेगा कौन कॉलेज के अंदर, फालिज किसको नहीं होगा, जिसकी ईमानी दुनिया रोशन होगी, जो कोई अल्लाह वाले से वाबस्ता होगा, नमाजों से वाबस्ता होगा, अल्लाह का डर होगा, तकवा होगा, वो बच जाएगा, वरना कॉलेज में फंस जाएगा। अब किसी लड़की से इश्क लड़ा बैठा, आजकल बॉडी बनाते नौजवान लोग, बॉडी बिल्डिंग, इस्लाम मना नहीं करता, बनाओ, नीयत अच्छी रखो। बॉडी क्यों बनाई? तहज्जुद में उठने के लिए बनाई। बॉडी क्यों अच्छी बनाई? ताकि 100 रकात नफिल पढ़ सकूं। बॉडी क्यों अच्छी बनाई? उसके लिए अगर स्ट्रांग बन रहा है और अपनी ताकत बढ़ा रहा है और पहलवानियां बता रहा है, अच्छा है, मुबारक, ले जैसा देखा ले कहा
तेरे बॉडी का हक है, तू ख्याल रख रहा है, अपनी बॉडी को साउंड रख रहा है, तंदुरुस्त रख रहा है, वर्जिश कर रहा है, कोई मना नहीं करता। लेकिन नियत में अगर गड़बड़ आई तो झूली में पथराएगा। नियत में गड़बड़ नहीं आनी चाहिए, नियत ये सब होनी चाहिए। आदमी खा रहा है खाना, खूब खाए, नियत ले रखे कि ताकत जो हासिल होगी इबादत पे लगाऊंगा, खाना इबादत बन गया, ये दीन तो पूरा इबादत ही इबादत। शरीयत मना नहीं करती, आपको बॉडी बिल्डिंग से ना नहीं कहती, लेकिन नियत दुरुस्त करने को कहती है। अपने हर मामले में अपनी नियत की इस्लाह करो। एक आदमी डॉक्टर बन रहा है, नियत ये करे कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं पैसे कमाएंगा तो अपनी जगह अल्लाह ताला जो देने वाले रिस्क है मुझे देंगे, इज्जत देंगे, रोजी देंगे, सब देंगे, लेकिन मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा। नियत खिदमत करने की करना चाहिए। जिम्मी तौर पर अल्लाह माल भी देंगे, अल्लाह के खजाने में कमी क्या है, वो भी देंगे अल्लाह ताला। अब उसने घर आकर माजूर बाप से यूं कहा कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं, तो अब बाप बेचारा क्या करता, वो तो माजूर था, मजबूर था, लड़की की सब चलती थी। उसने कहा कर ले बेटा, तेरे को शादी करने का इतना शौक है, कर ले। तो उसने शादी कर ली। अब जाहिरी बात है कि ये लड़की जो है कोई बुजुर्गों के पास तरबियत याफ्ता तो थी नहीं, वो तो कॉलेज की लड़की थी, खुले हुए बाल और छोटा जो है कुर्ता और जींस की पैंट पहन के जाने वाली, उसको मां बाप की और बूढ़ों की क्या कदर होगी। तुमने तो टेलीविजन पे मां बाप की तौहीन सिखाई है कि इनके सामने बोलो, अपने हक मांगो, लड़ो, ये तुमने बताया टेलीविजन पर। कुरान ने बताया कि बूढ़े मां बाप की कदर करो और उनकी खिदमत पर जन्नत का वादा लो। फरमाया मां बाप तुम्हारी जन्नत भी है, मां बाप तुम्हारी जहन्नम भी। अगर खिदमत कर ली जन्नत है, खिदमत नहीं की और उनकी आंख निकल गई जहन्नम। तालीम कितनी प्यारी। कुरान करीम ने क्या कहा, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا। पूरा रुकू पढ़ते चले जाए। मां बाप के साथ कैसा हुस्ने सुलूक किया जाए, कैसी उनकी खिदमत की जाए। अगर कोई अपने कंधों पर बिठाकर मां बाप को पूरा हज करा ले, तब भी मां बाप एक रात उसके लिए पेट में दर्द था बचपन में और जो जागे थे उसका हक भी इसने अभी अदा नहीं किया है। इतना बड़ा इनका दर्जा है और इतना बड़ा मर्तबा है और इतना बड़ा मकाम है। जिनके मां बाप हैं उनको कदर कर लेना चाहिए। मां बाप चले जाते हैं तो फिर आदमी के लिए दरवाजे दुआ के बंद हो जाते हैं, वो हर आम दुआएं करते रहते हैं, वो देख लेते हैं औलाद को, उनका सीना ठंडा होता है और हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो मालूम नहीं बेटे का दर्जा कहां से कहां पहुंचता हो। बाप ने कहा कर ले शादी, शादी कर ली। लड़की घर में आई, थोड़े दिन के बाद कहने लगी कि अब्बा जान को अपनी वजह से डिस्टर्ब होता है, लिहाजा इनको ऊपर वाले मंजिल में अपने ट्रांसफर कर दें। देखा सियासत कितनी खतरनाक है। यूं नहीं कहा कि बड़े मियां की वजह से अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो ये कांटे को बीच में से कैसे निकाला जाए, तो यूं कहा कि इनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो तो बेचारा एक कोने में पड़ा है, वो तुम्हारे पास क्या मांगता था। तो क्या करें, शोहरे फरमा बरदार ने पूछा तो नामदार बीवी ने यह कहा कि इनको ऊपर की मंजिल में ट्रांसफर कर दो। तो कहा इनको जरूरत पेश आएगी कुछ खिदमत की, कुछ मांगेंगे, कुछ चाहेंगे, क्या करेंगे हम लोग। कहा इनके पास एक बेल रख देंगे, एक घंटी रख देंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी घंटी बजा देंगे, हम लोग एकदम दौड़ दौड़ के ऊपर जाएंगे, इनकी जरूरत पूरी कर देंगे, खाना ऊपर आता जाता रहेगा। बच्चा आया घर में, एक बच्चा आ गया दोनों की शादी के बाद। वो तमाशा देख कर ऊपर की स्टोरी में अब्बा जान है, घंटी बजाते हैं, ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जो कुछ लेना देना करके आ जाते हैं,
एक अरसे दराज तक यह सिलसिला चलता रहा, अचानक अब्बा जान का इंतकाल हो गया। अब ऊपर से सामान सब नीचे लाया जा रहा है, ऊपर से सामान नीचे लाया जा रहा है, तो लड़का जो है तलाश कर रहा था कि घंटी नहीं मिलती, घंटी कहां गई। वो अब्बा जो बेल बजाया करते थे, बीवी से भी पूछा कि तूने लिया है वो घंटी, कहा नहीं मैंने तो नहीं ली। बच्चे को पूछा बेटा तूने लिया है घंटी, कहा जी अब्बा मैंने ली है घंटी। क्यों, कहा जब तुम भी बूढ़े हो जाएंगे और मैं शादी करके आऊंगा तो मैं भी तुमको ऊपर वाली स्टोरी में रख के ये घंटी दे दूंगा, फिर तुम बजाते रहना, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करता रहूंगा। कहने वाले ने कहा बच्चा बोलता कुछ नहीं था, सिर्फ देखता था, लेकिन देखने का रद्द असर उसके दिल पर क्या हुआ, जो मां बाप कर रहे थे उसका असर क्या हुआ। तो मां बाप अगर लड़ेंगे तो औलाद पर असर पड़ेगा, वो भी अपनी बीवी के साथ आने के बाद लड़ेगा। इसलिए बीवी को समझाओ कि हमारे लड़ने का हमारी औलाद पर गलत असर पड़ रहा है, उनके दिमाग पर गलत तखय्युल कायम हो रहा है, इसको मिटाने के लिए हमको मिलकर रहना चाहिए, सामने लड़ना नहीं चाहिए। ये बच्चे के दिमाग पर सब जाकर मुर्तसिम हो रही है चीजें। अगर अल्लाह ने समझ दी है और किस्मत में साथ रहना लिखा है तो बीवी समझ जाएगी, झगड़ा खत्म। समझाने से झगड़ा खत्म हो गया, निकाह बाकी रखना है, झगड़ा खत्म करना है। निकाह के बाकी रखने की फजीलत है, निकाह को बरकरार रखने की फजीलत है। तलाक देने को किसी ने नहीं कहा, ये जब बिल्कुल नागुजीर हालात हो जाए तब जाके तलाक की नौबत आती है, उसमें तो पहला स्टेज मैंने आपको बताया। अब थोड़े दिन के बाद फिर जो है मामला बिचक गया, मामला बिगड़ गया, बीवी फिर बिफर गई, अब क्या करें। तो फरमाते हैं इसके साथ एक बिस्तर पर सोना छोड़ो, अगर वफादार बीवी होगी तो इसके दिल के ऊपर एक धचका लगेगा, इसका दिल दुखी हो जाएगा, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया। तलाक के जरिए छोड़ना जरूरी है, बिस्तर पर छोड़ दो, इसके हाथ का खाना छोड़ दो, बहुत दुखी होगी, क्योंकि मुसलमान खातून बड़ी गयूर भी होती है, बड़ी वफादार होती है, लड़ती है, लेकिन वफादारी का जज्बा अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखा हुआ होता है। हजरत अब्दुल सामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया शौहर 3 साल के लिए चला जाए और एक कोने में बिठाकर अगर जाएगा अपनी बीवी को तो ये वफा शियार बीवी 3 साल के बाद जब आएगा तो उसी कोने में पाएगा, इस कदर वफादार है। बहरहाल खाना छोड़ दिया, बिस्तर में सोना छोड़ दिया, फिर भी बात बनी नहीं, नफरत फिर भी बढ़ती जा रही है, तो अब क्या करें। तो अब दूसरा एक उपाय बताया, एक रास्ता बताया, वो रास्ता ये बताया कि अब शौहर के घर के लोग, घर में कोई बड़े लोग हों वो, और लड़की के घर के रिश्तेदार लोग आपस में मामले को तय करें। मैं इस पर कह रहा था कि हम लोगों ने अपने मामले आपस में तय नहीं किए, दूसरों के हाथ में दिए तो दूसरों को दखल देने का मौका मिला। अगर हमने 100% अपने मामले अपने अंदर रखे होते तो किसी को दखल देने की जरूरत पेश आती, किसी को पता ही नहीं चलता कि अंदर है क्या। जब तुमने उनको दिया तो वो डीप में चले गए, वो डीप में इतने गए कि हमको भी डीप में कर दिया। अब दोनों तरफ का पंच बैठेगा और ये बैठने वाले रिश्तेदार हैं, लड़की के भी रिश्तेदार और लड़के के भी रिश्तेदार। हकम मिन अहलेही व हकम मिन अहलेहा, ये दोनों तरफ से जब पंच बैठेगा तो रिश्तेदारों का, तो जो हमदर्द रिश्तेदार हैं उनका तो तकाजा ये रहेगा कि किसी तरह से मियां बीवी जुड़ जाएं और इनकी इज्तिवाजी गाड़ी चले, वो ये चाहेंगे। भाई बड़े लोग जो होते हैं खैरखा होते हैं, रिश्तेदार है तो शौहर की तरफ का आदमी भी खैरखा, बीवी की तरफ का रिश्तेदार भी खैरखा, दोनों खैरखाई के जरिए से क्या करेंगे,
मियां बीवी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद भी उनकी कोशिश करने के बावजूद नाकाम हुई और बात नहीं बन सकी, तो अब रास्ता बताया कि अब नागुजीन हालात में एक तलाक देना है, एक तलाक सिर्फ देना है। इस्लाम ने जुल्म करने को ना कहा है। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म करते नहीं और कोई जुल्म करे ये पसंद नहीं करते, तो शौहर बीवी पर जुल्म करे अल्लाह पसंद नहीं करते। इसलिए फरमाया कि निकाह के मौके पर शौहर को खास तौर से तंबीह की गई कि अल्लाह से डरना, इसके हुकूक अदा करना, ये खास तंबीह की गई है। और जुमा के दिन खतीब भी यही बात कहता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल्अदल वल इहसान व ईताइज़िल क़ुर्बा। अब एक तलाक से क्या होता है? अक्सर लोगों को बेचारों को मालूम नहीं होता, सीधी उठाकर तीन तलाक देते हैं, और कितने लोग तो ट्रैक्टर भर के तलाक देते हैं। जब मैंने ट्रैक्टर भरी में तलाक, मैंने कहा तू तो बहुत बड़ा व्यापारी है, तेरे पास तू तो डीलर है तलाक का, इतनी बड़ी मिकदार के अंदर तलाक देने का क्या मतलब? फरमाया बशदीद जरूरत इजाजत अगर दे दी तो एक तलाक की दे दी, एक तलाक दे दी तो रास्ते सब खुले हुए हैं। क्या होगा? तीन दिन के बाद पछतावा हो गया कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, कहां जाएगी ये बिचारी, परेशान हो जाएगी, चलो इसको वापस ले आऊं, तो रास्ता खुला है। अब एक तलाक दी है, रास्ता खुला हुआ है, अब फौरन जो है उसको रुजू कर लीजिए, जाकर गुफ्तगू कर लीजिए, बातचीत शुरू कर दीजिए, हो गया। नहीं, अभी आपका गुस्सा ज्यादा है, तीन पीरियड का जमाना गुजर गया है, तीन पीरियड के अंदर तो रुजू कर सकता है, तीन पीरियड के बाद क्या करना पड़ेगा? ये स्लीप हो जाएगी तलाक, और इसको अब दोबारा निकाह में इसको लाना हो तो खाली निकाह करना पड़ेगा, फिर दोबारा इसको ला सकता है। अब ये ले आया निकाह में, रुजू कर लिया, फिर दोबारा जिंदगी शुरू हो गई, अब तलाक का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, दोबारा जिंदगी शुरू हो गई, पछताया, दोनों तरफ से पछता हुआ, नदामत हो गई, शर्मिंदगी हो गई, दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया, दोनों की इस दिवाली जिंदगी फिर दोबारा कामयाबी से शुरू हो गई। ऐसे बहुत से वाकयात हैं कि एक तलाक हुई थी लेकिन उसके बाद दोनों मियां बीवी सफल हुए और उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार डाली। अब एक बात और सुनो, हिंदुस्तान में तलाक हिंदू ज्यादा देते हैं, मुसलमान कम देते। पहले नंबर पर हिंदू तलाक ज्यादा देता है, दूसरे नंबर पर पारसी देता है, तीसरे नंबर पर ईसाई देता है, चौथे नंबर पर सिख देता है, पांचवें नंबर के ऊपर मुसलमान, परसेंटेज के अंदर। ये शोर खाली मचाया गया है कि ये लोग तलाकें देते हैं, तलाक देते नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान एक दर्जे में तलाक की बुराई को और उसके घनौनेपन को दूसरों के मुकाबले में समझता है। अब अगर इद्दत का जमाना गुजर गया, निकाह कर लिया, फिर आ गई इज्दिवाजी जिंदगी शुरू हो गई, अब इज्दिवाजी जिंदगी शुरू होने के बाद फिर अचानक एक रोड़ा आ गया, शैतान ने फिर वलगलाया, शैतान का काम है निकाह तोड़ना, फिर वलगलाया बीवी को, फिर मामला लाइन के ऊपर से उतर गया, पट्टे से उतर गई गाड़ी मरीज, तो अब क्या करें? फरमाते हैं कि अब मजबूर हो गया, दूसरी तलाक दे जाइए। अब दूसरी तलाक देने के बाद भी निकाह करना चाहता है तो फिर चांस है, चाहे तो इद्दत गुजर जाए उसके बाद करे दूसरा निकाह करने की, फिर अभी इसको चांस है, रास्ता अभी भी खुला हुआ है। लेकिन जब तीसरी तलाक भी दे देगा तब रास्ता बंद हो जाएगा। तो भाई रास्ता बंद कर देना या खुला रखना,
ये मर्द के इख्तियार में है। इस्लाम ने खुले को पसंद नहीं किया है। ये जो खुला लोगों ने शुरू किया वो क्या खुला है, एक बुड्ढे को पकड़ लाते हैं जो किसी काम का ना हो और उसको जो है कमरे में होटल के बीवी के साथ जो इद्दत गुजारने के बाद निकाह करते हैं, क्योंकि तीन तलाक के बाद शौहर अव्वल के पास जाने के लिए शौहर सानी के पास जाना जरूरी है, तो तुमको इतने इतने चांस मिले और फिर भी तीन तलाक दी और फिर भी दोबारा तुम उसको लाना चाहते हैं, तो तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े थे। जब तुमको इतना शौक था कि लेके आना है मुझे इसी को, तो फिर क्यों तीन तलाक दी? इसकी सजा होनी चाहिए। तो सजा यह दी कि तेरी बीवी शौहर सानी के पास जाएगी, बर्दाश्त करेगा शौहर? नहीं भाई, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं, ये किसी और के पास जाके लेट जाए, हमको बर्दाश्त नहीं, वो करेगा ही नहीं। तो फिर दोबारा हलाले की नौबत नहीं आई खुद, और तीन तलाक दे दी तो बीवी आजाद हो गई, शौहर भी आजाद हो गया, शौहर को और लड़कियां मिल जाएगी, बीवी के लिए कोई और शौहर मिल जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया में सब कुछ होता है, मुतल्लका से भी निकाह होता है, बेवगान के निकाह की भी तरजीह दी गई है, बेवगान के साथ भी निकाह करो। हमारे बाद मशायख ने चंद दिन जिंदगी के बाकी थे और बेवा से निकाह किया ताकि इसका रिवाज हो जाए कि भाई बेवा पड़ी ना रहे, उसका भी कोई ना कोई जो है लेने वाला और उसको कोई ना कोई रखने वाला और कोई ना कोई संभालने वाला और जिंदगी साथ जीने वाला मिल जाए। तो कितना अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन उसको पेश इस तरीके से किया गया है, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि जिससे लोगों के दिल में इसकी नफरत बैठ जाती है कि भाई ये बड़ी घनावनी चीज है जो मुसलमान कर रहे हैं। हालांकि ऐसी घनावनी चीज कोई भी नहीं है, और तलाक ये जरूरी है। उस रोज मैंने कहा था जैसे घर के अंदर टॉयलेट जरूरी है, भाई कोई बेहतरीन मकान बनाए और उसके अंदर टॉयलेट ना बनाए तो आप रहने जाएंगे नहीं जाएंगे? अरे भाई टॉयलेट में थोड़ी रहने का है ना, जरूरी है, नागुजीर है, बवक्त जरूरत जाना पड़ता है। जैसे बवक्त जरूरत टॉयलेट जाना जरूरी है, इसी तरीके से अनबन हो जाए तो तलाक का होना भी जरूरी है ताकि ये खिड़की खुल जाए और संकट खत्म हो जाए। संकट क्यों आया? वक्त से पहले खिड़कियां खोल के बैठ गए तो संकट आए। खैर, तो मैं कह रहा था कि सरकार मदीने के वाली भी हैं, हाकिम भी हैं, चीफ जस्टिस भी हैं, और कभी कभी यहूदी जो हैं वो भी आते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला कराने। हालांकि उनके फैसले उनके लोग करते थे तो सरकार शर्त लगाते थे कि फैसला अगर मेरे पास कराया तो फैसले को नाफिज में यही करूंगा, फैसला करके छोड़ नहीं दूंगा कि भाई ये फैसला है और ये फैसला है, मैं इस पर छोड़ूंगा नहीं, ये फैसले को नाफिज करके रहूंगा और मेरी आंखों के सामने नाफिज करूंगा। तो फिर यहूद भी डरते थे कि भाई तो फैसला सुनाते नहीं है, फैसला नाफिज करते हैं, उस पर अमल करते हैं फौरी तौर पर। तो एक अंसारी जिनका बाप था हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाप के पड़ोस में, पड़ोसियों में कुछ ना कुछ चकमक हो जाती है। हालांकि हदीस में पड़ोसियों का बड़ा हक बदला है, लेकिन हमारे यहां अक्सर पड़ोस में झगड़ा कुछ ना कुछ हो जाता है। हमसाया के हुकूक अगर अदा किए जाएं झगड़ा नहीं होगा। दर्जा बहुत ऊंचा बताया पड़ोसी का। सरकार ने फरमाया कि जिब्रील अलैहि सलाम ने पड़ोसी की इतनी अहमियत बतलाई, इतनी अहमियत बतलाई कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ये पड़ोसी को मीरास के अंदर हिस्सेदार ना बना दिया जाए। तो अंसारी कहा करते थे कि जुबैर तुम पानी जरा जल्दी छोड़ दो। वो कहते थे मैं जल्दी तो छोड़ता हूं, मामला हुजूर के दरबार में चला गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोर्ट में गया। अंसारी ने कहा कि ये बहुत देर से पानी छोड़ते हैं,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फूफीजाद भाई हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, तुम कब पानी छोड़ते हो? तो उन्होंने मिकदार बताई कि इतनी मिकदार होता है फिर मैं छोड़ता हूं। हुजूर ने फरमाया जल्दी छोड़ दो। कितना पानी होता है फिर छोड़ते हो? का टखने तक पानी भर जाता है मेरे बाग में, क्यारियों में, उसके बाद छोड़ता हूं। अब वो थे अंसारी लेकिन स्लीप ऑफ टंग कही है इसको, उनको गलत फहमी जरा सी हो गई और उनकी जबान पर एक जुमला आया कि ये फैसला फूफीजाद भाई के उनकी फेवर में हुआ है। सरकार को बहुत गुस्सा आया कि नाकदरे इंसान, फैसला जो मैंने किया तेरी रियायत में किया। हजरत जुबैर का हक इससे बहुत ज्यादा है, दीवार पर पानी चढ़ जाए वहां तक हक है, लेकिन मैंने तेरी रियायत में यूं कहा कि थोड़ा भर लिया तो छोड़ दो जुबैर, पड़ोसी को दे दो। तो हक से पहले तेरी रियायत के अंदर यह फैसला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियायती फैसला किया, लेकिन वह नाकदरे ने कदर नहीं की। नतीजा यह हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो जुबैर और पानी भरो, जब इसने कदर ही नहीं। फैसले पे एतराज, नबी के फैसले पे एतराज ईमान में कमी किया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं फला वरब्बिक ला युमिनून, कसम ब खुदा वो लोग ईमान वाले मुकम्मल ईमान वाले नहीं ईमान वाले, हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम, यहां तक के जो फैसला आपने आपको हकम बनाने के बाद किया है उस पर पूरी तरह से अपने मुशाजरात में राजी ना हो जाएं। बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए। सुम लायजिदूफी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदईत, फिर जो फैसला सरकार ने साबित फरमाया हो उसमें अपने दिल में जरा भी खटका महसूस न करें। वही सलीमो तस्लीमा, और सरे तस्लीम खम कर दें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर, तो वो है ईमान वाला। आज हमारा आलम क्या है? हमारा कोई फैसला शरीयत के मुताबिक नहीं हो रहा है, हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं गुजर रही। अगर हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक होती तो हमारे फैसले भी शरीयत के ताबे हुए होते। एक यहूदी और एक मुनाफिक, दोनों में कुछ मामला हुआ, झगड़ा चला। यहूदी ने कहा कि फैसला तेरे नबी से कराएंगे, फैसला तेरे नबी से कराएंगे। मुनाफिक ने कहा नहीं, अपने किसी और के पास चले जाएं। फरमाया नहीं, तेरे नबी हैं, फैसला किसी और से करवाएंगे, ये कैसी बात? नहीं, हरगिज नहीं, नबी से ही फैसला करवाएंगे। यहूदी माना नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसाफ का पैगर है, दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजते हैं। वलकद अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात वअंज़लना मअहुल किताब वल मीज़ान लियकूम अन्नास बिल क़िस्त, लोगों में इंसाफ आ जाए। तो इंसाफ कायम करने के लिए जब दुनिया जुल्म से भर जाती है तो अल्लाह ताला निगाह रहमत फरमाकर नबी को भेजते थे कि अब ये जुल्म को खत्म करो और रहमतों वाले नबी को भेजो। सबसे अखीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुल्म की इंतहा हो चुकी थी, औरतों पर कितना जुल्म हो रहा था, छोटी बच्चियां जिंदा दरगोर की जा रही थी, बच्चों के गले दबाए जा रहे थे और दुनिया भर की बुराइयां की, तब अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूस फरमाया। एक जंग के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को कुछ ज्यादा नवाजा, हुनैन का मौका है,
एक शख्स देख रहा था, उसने कहा इस तकसीम के अंदर इंसाफ बरकरार नहीं रखा गया। सरकार ने सुना तो बहुत नाराज हुए कि मैं दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए आया हूं और मैं इंसाफ नहीं कायम करूंगा तो कौन इंसाफ कायम करेगा? नबी अगर इंसाफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? तैश में आ गए, चेहरे पर सुर्खी आ गई। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने फरमाया हुजूर टपका दो इसको, खत्म कर दो। फरमाने ये अपने आप को चूंकि मुसलमान कहता है, लोग ये समझेंगे कि मुसलमान भी मुसलमान की तलवार से महफूज नहीं है, प्रोपेगेंडा करेंगे तो प्रोपेगेंडे से भी बचना चाहिए। इस्लामी नुक्ते नजर से ये कहा गया अपनी अकल का इस्तेमाल करो, ऐसा अमल मत करो जिससे दुश्मनों को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिले, उससे भी बचो कि गलत प्रोपेगेंडा वो लोग कर डाले। हुजूर ने फरमाया ये लोग प्रोपेगेंडा करके हमारी अच्छी बात को भी बिगाड़ के पेश करेंगे, प्रोपेगेंडा इसी का नाम है कि सही बात को बिगाड़ के पेश किया जाए। अखबारों में क्या आता है? अखबारों में झूठ के अंदर सच निकालने का है, सब झूठ है, इसके अंदर से सच्चाइयां निकालने की मेहनत करनी है। दो घंटे एक बुजुर्ग पढ़ रहे थे अखबार, मैंने कहा क्या करते हैं, तो कहा झूठ के अंदर से सच निकालने की मेहनत में लगाओ। तो अखबार तो झूठे हैं, उनका तो काम ही झूठ बोलना है। प्रोपेगेंडा से सरकार ने कहा बच जाएंगे, लेकिन मैं सबर से काम लेता हूं, सबर से काम लेता हूं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इससे ज्यादा कौम वालों ने ईजा पहुंचाई, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। हालांकि सरकार को इससे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई गई थी, लेकिन तवाज़ो है सरकार की कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर होने वाली तकलीफ को ज्यादा बताया। तो गुस्से में आए थे सरकार, कभी कभी आपको गुस्सा आता है, क्योंकि नाहक एक जुमला कहा गया, इंसाफ की आबरू रखने के लिए नबी आता है और जुमला बिल्कुल उसके पास खिलाफ आया। फैसला कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में, तो मुनाफिक नाराज हो गया कि मैं इनकार भी हूं और फैसला मेरे हक में नहीं हुआ। कांधला जैसे मौलाना इदरीस साहब कांधल भी जहां के हैं, हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह कांधला के हैं, उनके अब्बाजान हजरत मौलाना यहिया साहब कांधल भी कांधला के हैं। कांधला में एक जमीन का टुकड़ा था, उसके बारे में झगड़ा था कि ये जगह मुसलमानों की है, दी गई है मुसलमानों को या हिंदुओं को दी गई। मामला कोर्ट में अंग्रेजों की कोर्ट में चला गया है, तो अंग्रेज जज जो था उसने यूं कहा कि एक काम करो, तुम दोनों फरीकों की तरफ से एक ऐसा आदमी मोहम्मद तय करो कि जिसके फैसले पर, जिसकी बात पर तुम दोनों रजामंद हो, ऐसा कोई आदमी तजवीज करो। तो हिंदू लोग एक आलिम का नाम दे दें कि हमको ये आलिम अगर फैसला करे तो मंजूर है। मुसलमानों को पूछा तो उन्होंने कहा ये तो हमारे ही आदमी है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये फैसला दे दें। अब उन्होंने ये कहा कि मैं अंग्रेज का मुंह देख के फैसला नहीं करूंगा, बात जो कहूंगा वो तो दीवार की तरफ रुक करके कहूंगा, अंग्रेज का मुंह नहीं देखूंगा। इन्होंने हमारे रहने को दम कर दिया हिंदुस्तान के अंदर, हम चाहते हैं कि ये लोग चले जाए, लिहाजा मैं इनका मुंह देखना पसंद नहीं करता, मैं तो चाहता हूं देश से ले जाए। जंग की आजादी में हमने बड़ा काम किया है, बड़ी खिदमत अंजाम दी, 55,000 उलमा शहीद हुए हैं, 5,00,000 से ज्यादा मुसलमान काम आए। अच्छा, जज भी बड़ा अच्छा संजीदा इंसान था, उसने कहा कई मानो नहीं मारू मरू तुम्हारे नहीं जो तो मारे देखा नहीं, मारे तो खाली फैसलो संभव आप शू फैसलो करो, बने कौन माटे फैसलो शू है, आ जगह कोनी है, एनो फैसलो थी जाए बस एना की लेवा देवा, बीजू कहीं आप नहीं हो। अच्छी बात मौलाना आगे, और आने के बाद जब
अंग्रेज जज ने पूछा कि मौलाना बताइए ये जमीन किसकी है, उन्होंने कहा हिंदुओं की है। मुसलमान सन्नाटा हो गया, अपना मारते हैं खड़ी बात कही लगे क्या अपने आदमियों के ऐसा कैसा बात। मौलाना ने कहा मैं जो हक और इंसाफ अल्लाह से डरकर इंसाफ की बात कहूंगा, कूनो कवामीन बिल किस्त शुहदा वला वला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक्रबीन। जब तुमसे गवाहियां मांगी जाए सच्ची गवाही दो, चाहे तुम्हारी जात के खिलाफ हो चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ पड़ जाए तुम्हारी गवाही, लेकिन अल्लाह के यहां सुरखरू रहोगे, दे दो गवाही दे दो। अंग्रेज जज ने फैसला कर दिया जमीन हिंदुओं की है और आज मुसलमान केस हार गए लेकिन इस्लाम अपनी जंग जीत गया, इस्लाम की सदाकत का परचम बुलंद हो गया, तेरे सवाब ने दुनिया पे कर दिया रोशन, हवा के रुख पे भी हक का चिराग जलता है। फैसला होने के बाद मुनाफिक को ज्यादा हजम नहीं हुआ, मुनाफिकों का हाजमा खराब होता है इसलिए उनको हजम नहीं होती बात, सच्ची बात जल्दी हजम नहीं होती तो ही मुनाफिक हुआ, हाजमा खराब। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकलकर हजरत सिद्दीक उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, चलो भाई इनसे पूछ लें ये खास रफीक हैं सरकार के, देखें ये क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट इज द डिसीजन ऑफ सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु द ग्रेट कंपेनियन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके पास हजरत है, हाँ भाई कैसे आना हुआ, कब, वो असल में फैसला कराने आए थे। फरमाया मेरे पास फैसला तो रसूल के पास होना चाहिए, मेरे पास कैसे आए तुम लोग, किसने तुमको भेजा। कहा अच्छा नहीं लेने है मुझे, अच्छा तो सरकार ने कोई फैसला किया का जी दे दिया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया जिसका फैसला रसूल कर दे अबू बकर की मजाल नहीं कि रसूलुल्लाह के फैसले के खिलाफ कोई फैसला करे, मैं सिद्दीक कहलाता हूं, जो सरकार का फैसला हो मेरा फैसला है। यहां भी दाल गली नहीं तो यहां से निकले सीधे पहुंचे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, दी अदर कंपेनियन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी शुड गो देयर टू गेट द जजमेंट, फिर जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की यहां पहुंचे, पूछा कैसे आना हुआ, कहने लगे फैसला कराने आए हैं, अरे दो इश्ते छोड़ के मेरे पास तीसरे नंबर पर कैसे फैसला कराने आए, पहले रसूलुल्लाह बाद में अबू बकर है बाद में उमर का है, वहां गए थे फैसला कराने, जवाब दिया वहां गए थे इत्मीनान नहीं हुआ सरकार के फैसले से, ओ हो इसलिए तुमको आना पड़ा, फिर तो बहुत मुबारक है आपका आना, मैं फैसला करूंगा तुम्हारा एक मिनट में फैसला करूंगा, जरा इंतजार कर लीजिए। किनको इत्मीनान नहीं बताया मुनाफिक को इत्मीनान नहीं, पर मैं तुम्हारे इत्मीनान का सामान दे बस। अंदर गए वो बेचारा हवा खा रहा था बाहर बरामदे में, तलवार लाए और धड़ाम से चलाते हुए कहा जिसको रसूलुल्लाह का फैसला मंजूर नहीं हो बल्कि तलवार उसका फैसला किस तरह से करती, अल्लाह के फैसलों पर राजी होना सीखो, अपने मामलात को दीन की रोशनी में तय करो, अभियान को छोड़ो अभियान को लो, उलमा के पास जाओ तो कहां से मशवरा करो, इदारों में महकमा ए शरिया के पास जाओ और उसके फैसलों पर राजी हो जाओ। आज दीन पर कायम होना यही तो एक रास्ता रह गया, दूसरा कोई रास्ता नहीं, दीन ही एक रास्ता है हिफाजत का और कोई रास्ता नहीं है। कहीं भी जाओगे मारे जाओगे, दीन में आओगे महफूज हो जाओगे, इस पुराने करीम की महफूज छत के नीचे आ जाओ तो तुम्हारी हिफाजत, क्यों रब्बे कायनात का इरशाद है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान करीम हमने नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं, दस्तूर की हिफाजत तुम क्या करो,
करोगे और मैं क्या करूंगा, दस्तूर की इबादत तो अल्लाह कर रहे हैं, पर्सनल लॉ की इबादत तुम भी क्या करोगे, रेली निकाल कर मैं भी क्या करूंगा, तकरीर करके अल्लाह फरमाते हैं तुम आ जाओ कुरान की छत के नीचे, इसकी इबादत मैं कर रहा हूं। जब आदमी अल्लाह के दस्तूर को लेकर चलने वाला बने, हम हट जाए बीच में से, हुकूमत का और अल्लाह का मामला है, ये लोग निपटेंगे, हम तो बस चलना शुरू करें कुरान करीम के दस्तूर पर, कामयाबी अल्लाह ने इसी में रखी है। वो मुनाफिक जो थे दौड़े हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाके, कहा मार डाला हमारा कलमा को मुसलमान, उमर की तलवार से अब कौन महफूज है, कोई वजह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम धड़ाम से मार डाला, क्या वजह क्या थी, क्या मार डालने की क्या जरूरत थी, इंसाफ चाहिए आका, इंसाफ चाहिए, आपके दरबार में इंसाफ मांगने आए, इंसाफ की भीख मांगने आए। फरमाया बुलाओ फारूक आजम रजी अल्लाह तआला को, पीछे से तशरीफ लाए, हाजिर खिदमत, उमर ने उसको मारा, फरमा बिल्कुल मार डाला, क्या दलील थी तुम्हारे पास, फरमाया उसमें ईमान था ही, फरमाया उसमें ईमान तो अंदर होता है, तुमको कैसे पता चला कि उसके पास ईमान नहीं था, अगर तुम कोई गवाहियां इसमें नहीं पेश कर सके, कोई गवाह नहीं पेश कर सके, तो फिर तैयार हो जाओ, तुम्हारी भी गर्दन उड़ाई जाएगी। काम रहा था मस्जिद नबी का माहौल, सहाबा किराम हैरान थे कि इतना जलील और कदर सहाबी क्या इसी तरह भेंट चढ़ जाएगा। इतने में हम ताला शानू हो गया, से परिश्ता वही लेकर आ गया, सातों आसमान से वही नातिक आ गई, बेहतरीन बात आ गई, रब्बे कायनात ने फरमाया कसम खाकर फरमाया कि वो ईमान वाला नहीं है जिसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर एतराज़ हो। जब हजरत उमर को दुनिया में कोई गवाह नहीं मिला, तो आसमान की बुलंदियों से और सातों आसमान से अल्लाह ताला ने गवाही दे दी, और कुरान करीम में कयामत तक के लिए सदाकत उमर का परचम लहराने लगा। तो मैं बात ये कह रहा था दोस्तों कि आज जरूरत किस बात की है, आज जरूरत इस बात की है कि हम दीन पर कायम हो जाएं, हम मस्जिदों का रुख करने वाले बन जाएं, हम सुन्नतों की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं, एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में जगा दें, दीन को मजबूती के साथ थाम लें। बाकी दीन का मिटना ये नहीं है, मेरा आपका मिटना दीन न होने की वजह से होगा, लेकिन दीन नहीं मिटेगा, दीन की हिफाजत अल्लाह कर रहे हैं, लिहाजा जो इस महफूज साए में आएगा उसकी हिफाजत हो जाएगी, जो नहीं आएगा मिटा दिया जाएगा। يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون। लोग चाहते हैं कि अल्लाह का जलाया हुआ चिराग बुझाए, तो नहीं बुझा सकते इस बिना पर कि जब तक जिसने जलाया है वो नहीं बुझाएगा, वहां तक ये नहीं बुझेगा। जैसे ये ऊपर लाइट जल रही है, इसको जब तक लाइट का सप्लाई मिल रहा है, मैं और आप कितने भी फूंके मारे ये बुझने वाली नहीं है। इसी तरह अल्लाह का जलाया हुआ ये दीन का चिराग, जिसकी हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया, पूरी दुनिया मिलकर आज लगी हुई है इस बात में कि ये चिराग को गुल करते नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मेरी आपकी हिफाजत और बता इस बात में है कि हमारी जिंदगियों में दीन कितना है, जितना दीन रहेगा उतनी हिफाजत हमारी रहेगी और अल्लाह की तरफ से हिफाजत की गारंटी रहेगी। मुझे असल में हुक्म था कि चंद कलिमात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमारे मौलाना शोएब साहब का भी फोन आया, उन्होंने प्रोग्राम लिया और चंद बरकोमीन जो है उनके ईसाले सवाब और उनके लिए दुआएं मगफिरत करनी है, जिनमें से मोहतरम यूसुफ भाई जो हमारे आरिफ भाई के मामू हैं उनका इंतकाल हुआ,
उनके लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मरहूम की बेइंतहा मगफिरत फरमाए, जन्नत में आला बाला मकामात अदा फरमाए। बंबई में मरहूम यूसुफ गंगाज साहब की अहलिया चंद रोज पहले इंतकाल फरमा गई, उनके लिए दुआ करना है कि अल्लाह मरहूमा की बेइंतहा मगफिरत फरमाए। मौलाना अब्दुल समद साहब पटेल की वालदा इंतकाल फरमा गई, उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनकी भी बेइंतहा मगफिरत फरमाए। और हमारे मौलाना शायद साहब की अहलिया जो है वो भी इंतकाल फरमा गई चंद महीना पहले, उनके लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह ताला गरीब रहमत फरमाए, कब्र में नूर बरसाए, करवट करवट सुकून अता फरमाए। और मौलाना खलील साहब की बहन जो है वो इंतकाल फरमा गई, उनके लिए भी दुआ फरमाए, जमी मरहूमीन और मरहूमात के लिए दुआए मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम ही मरहूमीन मरहूमात की मगफिरत फरमाए, आला बाला मकामात आला इलियीन में अल्लाह ताला नसीब फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला पूरे दीन के ऊपर कायम रखे, और ये जो हालात नाजुक चल रहे हैं अल्लाह ताला इसमें मुसलमानों की यारी मददगारी फरमाए, गैर से उनकी नुसरत के फैसले फरमाए, और इस्लाम का बोलबाला हो, हक का बोलबाला हो, और बातिल की जितनी स्कीमें हो इस्लाम के खिलाफ अल्लाह ताला फेल फरमाए, और इंसाफ और हक और ये तमाम इस्लामी शरीयत जो है उसको नाफिज होने की अल्लाह ताला आसानियां फरमाए, और इसके खिलाफ जितनी जितनी तहरीकात और मुहिमात चल रही हैं अल्लाह तमाम को नाकाम फरमाए, अपने दीन की हिफाजत फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأخيار منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا شافي الأمراض إنك على كل شيء قدير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لأن تيسير كل عسير عليك يسير سهل يا إلهنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سمين اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تعسر علينا أمورنا اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك اللهم إنا نسألك دوام العافية تمام العافية اللهم إنا نسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ معصیات کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اے اللہ جوانوں کے روح مساجد کی طرف کر دے، اے اللہ ان کو سنتوں کا عاشق بنا دے، اے اللہ ہم سب کو ایک ایک سنت پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے، اے اللہ اس میں جو جھگڑے انتشار ہے اللہ ختم فرما دے، اے اللہ 100% دیندار بنا دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما، تو ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں اپنے بندوں میں سے بنا دے، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو حفاظت ایمانی عطا فرمائی ہو، اے اللہ سوئے خاتمہ سے بچا دیجیے، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیے،
العالمین جو مرحومین اور مرحومات دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی مغفرت فرما اے اللہ مرحومین مرحومات کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما اے اللہ جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما اے اللہ پسماندگان رشتہ داران کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما اور اس پر اجر جزیل عطا فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تفعیل منظور فرما بے رحمتی کا یا رحمت